press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जैन रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि रोड पे नमाज पढ़ने वाले नमाजियों को उसने लात मारी थी। तो इसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील दबंग नाजिया खान जी का धमाकेदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार नाजिया जी, जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। और कल महाशिवरात्रि भी थी तो आपको महाशिवरात्रि की और आपके देखने वाले व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये बताइए कि दिल्ली के इंद्रलोक में नमाज सड़क पर पढ़े जाने के दौरान जो घटनाक्रम हुआ है उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं किसी के भी आस्था या किसी की पूजा के वक्त में ऐसे पैर से मारना तो नहीं चाहिए। इस चीज को तो मैं भी कहती हूँ कि गलत हुआ है। और बीइंग अ मुस्लिम, मैं मुसलमान होती या ना होती तो भी मैं यही कहती कि जिस तरह से पुलिस ऑफिसर ने पीछे से मारा है वो गलत है और उसकी सजा उसको मिल भी गई है। दिल्ली के आला अधिकारी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर जो कानूनी प्रक्रिया की है उससे उसको जूझना भी पड़ रहा है। एक कमेटी भी बैठ गई है कि उसको उसके सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आई है कि आखिर वो कौन लोग थे जो नमाज के वक्त में वीडियो बना रहे थे। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि नमाज तो एक ऐसी चीज है कि जब हम मुसल्ला बिछा करके, जानमाज बिछा करके जब हम बैठते हैं तो दीन दुनिया शोर शराबा कुछ भी हमें याद नहीं रहता है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी आस्था, हमारा पूरा अटेंशन जो है वो अल्लाह तबारक ताला और सूरतों पर हो जाता है, हमारी आयतों पर हो जाता है, हमारे दुरूद सलाम पर हो जाता है। तो सामने से अगर कोई गुजर भी जाए तो हमें पता नहीं चलता है, या ढोल बाजा भी अगर बजे तो हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारी आस्था जुड़ चुकी होती है जानमाज पर अल्लाह तबारक ताला से। तो वो कौन व्यक्ति था जो जिसने वो लात मारने के वक्त में वीडियो तो किया, लेकिन जब पुलिस पिछले एक सवा घंटे से समझा रही थी कि भाई भारत में 7 लाख मस्जिदें हैं और 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं, तुम्हारा घर है, इमामबाड़ा है, उसके बाद मजारे हैं, जाकर के वहां पर नमाज पढ़ लो, तो वो वीडियो किसी ने नहीं किया लेकिन लात मारने का वीडियो किया गया। तो ये मुझे थोड़ा सा शैतानी डायबॉलिक माइंड लगा है कि इंटेंशनली वीडियो किया गया। जैसे किसी लड़की का रेप हो रहा है और वो कोर्ट को ये बता रही है जाकर के देखिए मैंने वीडियो किया है, मेरा रेप हुआ है, तो वो लड़की को ही फेक माना जाएगा कि लड़की ने भाई किसी मर्द को फंसाने के लिए ये सारे काम किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस ने गलती तो की है और उसकी सजा उसको मिल भी गई। एक सरकारी अधिकारी का अगर यूनिफॉर्म छीन लिया जाए और उसको उससे उसको सवाल जवाब दिया जाए तो मुझे लगता है कि वहां पर उसको सजा मिल चुकी है। लेकिन वीडियो करने वाला भी पकड़ाना बहुत जरूरी है, जिसने माहौल को गर्म करने की कोशिश अपने अपने तरीके से भरपेट की। और आपने देखा होगा कि 10 मिनट के अंदर, मतलब भारत से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के सीरिया तक ये वीडियो पहुंच चुका था, और पाकिस्तान से ना जाने कितने यूट्यूबर्स और मेन स्ट्रीम चैनल जो पाकिस्तान का है उसने भी मुझे कॉल किया था कि अभी अभी बैठ जाइए, मतलब अब इस मुद्दे पर तो नाजिया नहीं बोल पाएगी तो चलो अब तुमको इसी मुद्दे पर पकड़ते हैं। तो पाकिस्तान तक ये वीडियो भेजा गया था, इंटेंशनली भेजा गया था कि देखो भारत में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। और आप सही कह रही हैं क्योंकि एक वीडियो जो लात मारने का है वो तो वायरल है बहुत भयंकर तरीके से, लेकिन उससे पहले का वीडियो भी आ गया है जहां पर यही पुलिस ऑफिसर बार बार सबको कह रहा है कि सड़क पर नहीं बैठना क्योंकि ट्रैफिक जाम हो रहा था, और उसके बाद उनको हटाता है, एक को हटाता है, दूसरा बैठ जाता है, दूसरे को हटाता है, तीसरा बैठ जाता है, ये भी दिख रहा है। और उसके बाद तो फिर हमने देखा कि प्रोवोकेशन हुआ, क्या क्या उसने किया, उसको वो निलंबित कर दिया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जिसने वो वीडियो बनाया इंटेंशनली बनाया, और ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं, तो वो भी तो पकड़े जाने चाहिए। और देखिए, किसी भी हाल में जिसने वीडियो शूट किया है
और इंटेंशनली एक पार्ट, एक छोटा सा क्लिपिंग जिसने वायरल करवाया है लात मारने वाला, उसको हर हाल में अरेस्ट करना इमीडिएट जरूरी है। मैं मानती हूं कि पुलिस ऑफिसर ने गलत किया है और वो सस्पेंड भी हो चुका है, उसके ऊपर एफआईआर भी फट चुके हैं, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन जिसने माहौल को गर्म करने के लिए ये वीडियो बनाया है वो वीडियो बनाने वाला भी अरेस्ट होना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि बॉम्बे के नया नगर में जब एक एक मुसलमान दाढ़ी वाड़ी वाला जब एक वीडियो बनाया था कि अरे सोए हुए शेरों को मत जगाओ, हम मुसलमान हैं, हम सोए हुए हैं, ये बुलडोजर बाबा का जगह नहीं है, राज नहीं है जो यहाँ पर बुलडोजर चलेगा, तो वो वीडियो ने मुसलमान युवाओं को बहुत प्रोवोकेट किया था क्योंकि वो भड़काओ वीडियो ही था। और ये जो वीडियो जो वायरल करवाया गया है ये भी इंटेंशनली वायरल करवाया गया है ताकि मुसलमान भड़के और जान करके पाकिस्तान से जो लिंकअप लोग हैं, जो पाकिस्तान से बहुत लिंक्ड है, वो उन्होंने जानबूझ करके पाकिस्तान को भेजा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस सिनेरियो के वक्त में जितने भी लोग नमाज में बैठे हुए थे उन सबके फोन को जांच करना चाहिए कि किसके किसके लिंक पाकिस्तान और सीरिया से हैं जिन्होंने इमीडिएट पाकिस्तान में जानबूझ करके ये वीडियो वायरल करवाया है। मेरे फोन में पाकिस्तान के यूट्यूबर और मेन चैनल से वो वीडियो आया है और उन्होंने फॉरवर्ड करके भेजा है कि नाजिया आप इस पर बात कीजिए, और मैंने कहा कि मैं जरूर बात करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, और मैं इस्लामिक तरीके से ही इस पर बात करूंगी। सबसे पहली इस्लाम की बात यह होती है कि हम जनमाज वहां बिछाते हैं जो पाक और साफ जगह होती है। अब फ्लाइट पर जो लोग नमाज पढ़ लेते हैं एरोप्लेन पर, वो पाक और साफ तो नहीं होती है क्योंकि चप्पल जूता फ्लाइट पर पहन करके लोग जाते हैं और उसके बाद फिर सुसु कर करके पॉटी कर करके वॉशरूम से निकलते हैं, उसी चप्पल जूते के साथ निकलते हैं। दूसरी चीज होती है कि ट्रेन पर पढ़ लेते हैं, ट्रेन भी पाक और साफ नहीं होता है, प्लेटफॉर्म पे पढ़ लेते हैं, रेलवे ट्रैक पर पढ़ लेते हैं, रोड पर पढ़ लेते हैं, समुद्र के अंदर पढ़ लेते हैं, समुद्र के बाहर पढ़ लेते हैं, बीच पे पढ़ लेते हैं और खेत खलियान में पढ़ लेते हैं, रोड पर पढ़ लेते हैं। तो ये सारी जगह तो पाक और साफ नहीं है क्योंकि अगर हम जोर से हंस दे तो हमारा वजू टूट जाता है, हम फाट कर दे तो हमारा वजू टूट जाता है, हम कपड़े बदल ले तो हमारा वजू टूट जाता है, हमें दोबारा वजू करना पड़ता है, अगर सर पर से दुपट्टा उतर जाए या टोपी उतर जाए तो वजू टूट जाता है और दोबारा वजू करना पड़ता है, या जोर से चिल्ला करके बात कर ले तो वजू टूट जाता है, दोबारा वजू करना पड़ता है, अगर मुसल्ला बिछाने के बाद अगर सामने से कोई गुजर जाए तो भी हमें नमाज दोबारा तोड़ करके दोबारा से तहलीमा बांधना पड़ता है और दोबारा से नमाज के जितने भी अरकान है, जितने भी फर्ज है वो पूरे करने पड़ते हैं, नियत दोबारा बांधनी पड़ती है नमाज के लिए। तो जब इतने शरायत नमाज में है तो आपने वो गंदे शंदे रोड पर आपने मसल्ला बिछाया कैसे? आप उस गंदे शंदे रोड पर आप जो पाक भी नहीं है, जो धोया हुआ भी नहीं है, जिस पे झाड़ू पे नहीं लगा हुआ है, लोग थूकते हैं रोड पर, लोग कचड़ा फेंकते हैं, और कई बार तो हम देखते हैं कि रोड के किनारे पीरियड्स के पैड भी फेंके हुए होते हैं कई बार। जब से स्वच्छ भारत अभियान आया है और बहुत सारे गार्बेज के कंटेनर वगैरह रखे रहते हैं, तब से मैंने देखा है कि थोड़े लोग रीजनेबल हो गए, अदरवाइज गाहे बघाए हमें पीरियड्स के पैड और बच्चे के पैंपर दिखाई दे देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में तो वो नमाज हो ही नहीं सकती वैसी गंदी जगह पर। रोड एक ऐसी जगह है जहां पर इंसान थूकता भी है, सुसु भी रात में कर देता है, बेवड़ा लोग पी करके अपना दारू का बोतल भी छोड़ देता है, तो वैसी जगह पर आपने नमाज पढ़ी कैसे? आपका नमाज तो वहां पर होना ही नहीं था, और ये तो मुसलमानों को सबसे पहले पता होना चाहिए। मैं हमेशा, अंजू जी मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं हमेशा चैम्बर में नमाज पढ़ लेती थी क्योंकि खजा होने के बाद क्या होता था, घर कभी 12 बजे पहुंच रही हूँ, कभी 12:30 बजे पहुंच रही हूँ, तो मुझे फजर की मैंने पढ़ ली, अब जोहर से लेकर के इशा तक की मुझे घर में जा करके पढ़ना पड़ता था, तो मुझे लगता था कि चलो मैं ऑफिस में पढ़ लूंगी। लेकिन फिर मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि बेटा तुम्हारे चैम्बर में तो सब कोई जूता चप्पल पहन करके आते हैं, तो तुम कैसे वहां पर तुम्हारी नमाज होती है और कैसे तुम वहां पर मुसल्ला बिछाती हो, मेरी समझ से तो बाहर है, तो इट्स बेटर कि थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन तुम घर में ही आकर के खजा पढ़ लिया करो। तो जब हम जैसे लोगों को पता है, जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं मुसलमानों को टारगेट करती हूँ, इस्लाम को टारगेट करती हूँ, जब मैं इतने एहतराम करती हूँ जानमाज बिछाने से पहले, तो ये लोग तो मतलब एकदम जबरदस्त मुसलमान है, पक्के जिहादी मुसलमान है, पक्के आतंकी मुसलमान है, तो इनको तो पहले समझना चाहिए था कि भाई ये गलत है।
आती है दूसरी बात, दूसरी बात ये आती है कि भारत में कभी भी किसी को भी, किसी भी धर्म वालों को उनके धर्म की आस्था से हटाया नहीं गया है, कभी भी नहीं गया है। और इस भारत में 7 लाख मस्जिदें हैं और अवेसी रोज चिल्ला चिल्ला कर कहता है हैया अलल फला की सदाएं, हैया अलल सला की सदाएं, अल्लाह हु अकबर की सदाएं, आओ नमाजी नमाज को। तो जब 7 लाख मस्जिदें हैं तो क्या 17 करोड़ के मुसलमान की आबादी उस 7 लाख मस्जिद में एडजस्ट नहीं कर सकती है क्या? आराम से कर सकती है, आराम से कर सकती है। देखिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आएंगे और नाज़िया खान जी के व्यूज से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे उन्होंने ना सिर्फ दिल्ली पुलिस के ऑफिसर को क्रिटिसाइज तो किया बल्कि इस पूरे कांड को शैतानी भी बताया। हो सकता है इसके पीछे पूरी तरह से एक प्लानिंग की गई हो, जानबूझ के पहले से मोबाइल कैमरास ऑन रखे गए हो ताकि कुछ ऐसा हो उसको शूट करके बाकी मुस्लिम देशों में पहुंचाया जाए और भारत की छवि खराब की जाए। इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।